और भाई जाकिर अरे दुनिया से जितनी अय्याशी हो सकती थी वो करोना ने मिटा दी है। कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेचांद स्याह रात हूं, मैं काले का शुमार हूं, सुन कैसे। दोस्तों ये वीडियो हिस्सा है मेरे एक शो का जिसका नाम है महाकुल बातें, जिसमें मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट और मेरे दोस्तों के साथ बातचीत करता हूँ लाइफ के बारे में, करियर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वो जो लाइव स्ट्रीम है वो कम से कम 1.5 घंटे की, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की होती है, तो उसमें से ये हाइलाइट्स निकाल के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको बता दूं एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। जाकिर ओपी हो जाए चैट में भाई, हो जाए भाई, हो जाए, अब तो हो ओपी जाए हो जाए जाकिर और क्या। ओपी हो जाए, आने दो, आन दो आन दो आन दो जाकिर, आप आन दो भर आन दो दो आन दो आन दो भर दो आन दो आन दो आन दो। नवाड़ा 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 आन दो आन दो आन दो। क्या हाल है निशान भाई, कैसे हैं? बस भाई चल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ आपको, इतने दिनों बाद मिलने का मौका बहुत ही मिला इतना मिस कर रहा था भाई, क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम से देखा नहीं एक दूसरे को। हमने अपना ही, नहीं झूठ मत बताओ सबको, हमने अपना ना बायो बबल बना लिया है। हम निशान भाई, हम किसी और से नहीं मिलते, मैं किसी और से नहीं मिलता, तो हम आपस में मिल लेते, ये हमारा बायो बबल। भाई आपको याद है अपन फर्स्ट टाइम कब मिले थे? मेरे मेरे को तो याद है भाई, आपको याद है क्या? को भी याद है, बिल्कुल याद है, सब याद तो है मैं भाई। आपका, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि मेरे और को, वो कोइंसिडेंस की बात है कि जब जाकिर भाई मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे उसी टाइम मैं भी उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, मतलब ये इतना इतनी कुछ। कमाल की बात, अल्लाह तबा तबा, ये ऐसा अल्लाह किसी को, ऐसी बहुत रेयर होता है ऐसा, कि ये वो वाली बात है ना कि जो सीढ़ियां ऊपर को जाती थी क्या वही नीचे आती थी, है ना। और भाई मेरे को आपका पहला जोक भी याद है, जो मेरे को बहुत मुझे फनी भी लगा था। आपका पहला जोक हाँ, याद है, तो एकदम मुझे जो टनाटन। आपका जोक याद है वो ये कि आपने बोला था कि बोले मैं हरियाणा से हूँ और मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है और मैं इंग्लिश में कॉमेडी करता हूँ। उस टाइम सब लोग इंग्लिश में करते थे, मैं भी अपने को इंग्लिश में बताता, ठीक है। तो आपने ये जोक किया था कि मैंने मेरे पापा को बताई ये बात कि मैं इंग्लिश में कॉमेडी करने जा रहा हूँ, तो मेरे पापा ने बोला बेटा हम तेरे पे बहुत प्राउड है ना, और घबराना मत, ठीक है ना, बस याद रखना कि एक आधा जोक भूल जाए तो चलेगा, पर स्पेलिंग मिस्टेक करके मत करके आना, नहीं ठीक है। बताना, ये था मेरे को भी वो जोक, एक बहुत ही एकदम खाली से, एकदम इतना तेज याद है ना जो आपका एक जोक, कि आप मेरे ख्याल से मेरा ध्यान ही वहीं से गया था कि भाई साहब वो हो क्या थॉट पकड़ा है, कि अपने यहाँ ना फिरंगियों को लेकर अभी तक ना, बोले हमारे ना कहीं अंदर का वो गुलामड़ा मरा नहीं है, कि अभी भी हम ना गोरे लोगों को देख कैसे हो जाते हैं, अरे भाई साहब गोरे लोग, बोले यहाँ पे वैसे कोई आप ना प्यास लग रही है और पानी मांग लो तो दुकान वाला मना कर देगा कि आगे चल, पर बोले कोई ऐसे कोई गोरी बंदी आई जाएगी ना और कि भाई साहब सुई सुई मिलेगी क्या आपके पास सुई, तो वो बोलेगा कि मैडम ऐसे तो मेरी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है पर आप यही खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ, आप यही। पहली बार मिले भी साथ साथ और हम बाहर आए तो पहली बार हमें शो, उसी के बाद हमें शायद एक शो भी साथ ही मिला था। अमित टंडन सर ने हमको, हाँ अमित टंडन सर उस टाइम पे उनका एक वेन्यू होता था माइंड कैफे नाम से, माइंड कैफे गुड़गांव में, जहां पे वो गुड़गांव में शो करते गैलेरिया हैं मार्केट के पास गैलेरिया में, में, वहां पे उन्होंने हमको शो ऑफर किया था तो रूम एक में। ही साथ वो था कि मतलब वो हमारा ओपन माइक ऐसा माशाल्लाह ठीक अच्छा चला गया गया था था बेसिकली, वो अच्छा चला गया था कि हमारा हम शो, दोनों को ऐसे होता ना कि अच्छा आप बॉम्बे जाने के लिए तैयार तैयार है। हैं हाँ, तो वैसे दोनों को हमको शो बाहर मिला साथ था। में, तो वो शो हमें साथ मिला था, मेरे ख्याल से वो हमारा पहला शो था भाई साहब। और लॉकडाउन में हमने ना प्लान किया था, तो हमने क्या किया था, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था ना तो हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन किस लेवल तक का लॉकडाउन होगा, हमें लगा था ओ कि एक मिनट भाई, मैं बताता हूँ मैंने क्या प्लान किया था। तो हमने खरीदी भाई साहब साइकिलें, और खरीदी भी नहीं, मैंने तो खरीदी भी नहीं, निशान भाई ने मुझे गिफ्ट करी, पहले इन्होंने खरीदी, इन्होंने बोला साइकिल की रिपोर्ट ओके। मेरा ऐसे लाइफ में, मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लाइफ जीता हूँ, कि मैं ये नहीं मानता फलाना बंदा सही है, मुझे कोई और बोलता है कि फलाना बंदा सही है और फिर मैं देखता हूँ कि फलाना बंदा सही है तो ही मैं फलाना बंदा को सही मानता हूँ। तो इन्होंने बोला साइकिलिंग ओके टिच, मैंने बोला ठीक है। तो सेम डिक्टो डिट्टो साइकिल जो है वो मैं और निशान भाई स्वयं लेके आए, ठीक है। उसके पैसे भी इन्होंने दिए, स्टोरी भी डली हुई, पोस्ट डली हुई, स्टोरी डली हुई उसकी, है ना। मैं रोड पर साइकिल चला गया, पावला हो गया भाई, मैं बावला हो गया, मगर मजे आ गए भाई, ठीक है। उसके बाद से जो मनुष्यत हुई है, उसके बाद से ऐसा लॉकडाउन लगा है कि साइकिल का परिंदे वरिंदे तक निभा निकाल पाए, कि इमेजिन करो कि एक कबूतर को एक इंसान ने मार दिया, ठीक है ना, 21 20 जून की बात, 20 20 मार्च की बात है, ठीक है। और उसके कबूतर के छोटे भाई ने बोला होगा कि रुके, इंसानों की तो मार चुकता हूँ,
कल बताता हूँ उनको मैं, ठीक है? और अगले दिन से इंसान रोड़ों से गायब। कबूतर कम्युनिटी में उसकी क्या इज्जत हुई भाई, क्या भाई यार, तेरे को पता नहीं, वो लेजेंड है, वो कबूतरों का मुखिया है वो अभी की भाई, पता नहीं, बहुत बहुत भाई, इसकी बड़ी चलती है भाई। कबूतर इसके, इसके दादाजी ना उसमें थे, डीडीएलजे में थे वो, जो डीडीएलजे में थे। हाँ, आओ आओ करा, शाहरुख खान ने करा था। उन्हें कैसा बड़ा राज साहब का बड़ा प्यारा शेर है, मरूम राज साहब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनका एक शेर है कि वो है ना कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी, वरना बदन कर छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी। ये तो पूरा कि सबको ही अपना, सबको ही अपना मान लिया ना, है ना, कि भाई है तो फिर सबके भाई है ना, वैसा वाला। बिल्कुल, कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन कर छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है, और कश्ती पर आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, कि हाथ कटवा देना, अगर कश्ती डूबे तो हाथ कटवाने को तैयार हूं मैं, पतवार जिससे नाव चला, कि अब कश्ती पर आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, अब लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कोरोना के बारे में एक कोई एक पॉजिटिव चीज, दुनिया से जितनी अय्याशी हो सकती थी वो कोरोना ने मिटा दी है। हाँ, कि बेसिकली कोरोना काल में जो चीज हमको समझ में आई है कि हर चीज जो फिजूल की थी वो चली गई बेसिकली लाइफ से। हाँ हाँ, और बेसिक पे वापस आए कि अपना भाई, अपने माँ बाप, परिवार क्या होता है, है ना, आपस में सामंजस्य बना के रखना है, दूसरों की मदद करनी है, इस तरह की चीजें जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, जो मेरे ख्याल से क्यों ग्लोबलाइज हो रहा था तो थोड़ा सा उसमें हम लोग वो भूलते जा रहे थे। कि आपके हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक हमारा एग्जिस्टिंग हफ्ते कर रहे टाइम से, और आप जब अपने वेब सीरीज की एक जिसमें आप एक्टिंग, वो एक नया वो ऐड ही हो गया पूरा उसमें, तो उसमें क्या आपने दोनों, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, मेरे ख्याल से दुनिया को समझने की जरूरत है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं, अगर आपको याद हो, मैं रेडियो में काम करने के लिए घर से निकला था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल याद है एकदम, क्योंकि मुझे लगा होगा ना कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, टीवी में नहीं जा सकते इसलिए रेडियो में जा रहे हैं, है ना। रेडियो में भी उन्होंने मुझे बोला कि तुमको ले नहीं, मतलब फ्रंट एंड पे नहीं ले सकते, तुम राइटर वाइटर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे भी होर्डिंग वगैरह लगवाने पड़ जाएंगे कभी, ठीक है। अच्छा, तो वो भी एक एंगल है ना, उसके अलावा बचपन में भी जब पहली पहली बार पिंपल हुए तो हमें ऐसे, हमने फोड़ा फाड़ी करी कि क्या है पिंपल, ये क्या हो रहा है, इसको जरा इसमें से क्यों दुख रहा है ये, तो लोगों ने टोका कि अरे भाई ये खड्डे वड्डे रह जाएंगे चेहरे पे, समझ करो। तो हमारा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा हमें कौन सा कहीं एक्टिंग करनी, हीरो आरो बनना है, अब फोड़ने तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हमें कौन ले रहा हीरो, तो गलती से क्या हुआ कि वो जो चाचा विधायक का जो कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने शो बनाना है कि मैंने कहा बनाना, क्योंकि राइटर बनने का शौक तो बचपन से लेके घूम रहे हैं ना, 2008 से ही, मतलब दिल्ली आए थे तो पहली बार ये हुआ था राइटर बनना, राइटर बनना, उसमें हमें नहीं पता था ये लिखा हुआ था कि तुम्हें ही करनी पड़ेगी एक्टिंग। तो अभी लॉकडाउन में उसमें मेरे को एक, जो अभी तक लॉकडाउन फिर भी अपना कट रहा था ठीक ठाक से, पर उसके बीच में अचानक से एक रिसेंटली एक चीज हुई है, उसे बोलते हैं पबजी बैन। हाँ यार, नहीं यार, गलत हो गया यार। मैं उसमें एक दो शेयर मैंने लिखे, मैं करने की लाइव स्ट्रीम पे भी उस दिन सुना थे, आपके पे भी सुना देता हूँ कि जब कभी याद आए तुमको तो आ जाना पोचंकी की किसी थ्री स्टोरी बिल्डिंग में, सीढ़ियों पे मिल जाऊंगा तुम्हें शॉटगन लिए बैठा चुपचाप, अपना केडी बढ़ाते हुए, जज मत करना, कैंपर मत समझना, रैंक पुश करनी है दोस्तों। बर्बाद हो गया सब कुछ, बर्बाद हो गया सब कुछ, कहीं कोई होप है क्या, बर्बाद हो गया सब कुछ, कहीं कोई होप है क्या, बाइक कार 98 मिल गई, एटेक्स का स्कोप है क्या, पट से हेड शॉट एकदम ही। हाँ, हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत हैं, पर दिल को छूने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कम हैं। जाकिर भाई उसमें आते हैं, और आप भी निशांत भाई, सिंगल हूं पर हक से, फॉलोइंग जाकिर भाई या आदित्य शर्मा, हक से बाबा, हक से। दिव्यम, दिव्यम सोरी ने मैसेज भेजा है, और भाई जाकिर, और भाई जाकिर की नंद किशोर, बिल्कुल ऐसा ही फील फील फील।
अश्विनी पाटिल है, जाकिर जी बिगेस्ट फैन, मैं इतने ओके मैसेजेस भाई किए हैं आपको इंस्टा पे, लोगों के फैन होते हैं आपके तो दीवाने हैं, और अरे हमें तो आपसे आशिकी है, हार्ट 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 हार्ट। बंदा है कोई। अश्विनी नाम है भाई, ये तो वैसे वाला है कि हाँ मुझे ये सब बातें सिर्फ मुझे लड़के ही लिखते हैं भाई, ठीक है। अपने को अपना ऑडियंस पता है। भाई इसमें ना हमारा एक शो में हम एक चीज रखते हैं, जैसे ज्यादातर शो में जाओ ना उसमें होता है रैपिड फायर और ये सब, तो बोला नहीं ये हाँ रैपिड फायर तो हर एक में होता है ना, हम करेंगे नहीं सही कुछ बात, अलग, अलग कर वेरी रहे हैं अपन। डिफरेंट, अच्छा वेरी वेरी यस डिफरेंट। तो हाँ यस जो यस राउंड है उसका नाम है तेज आग। अलग कर दिया आपने तो बहुत इसको एकदम एकदम। अरे रह अच्छा गए ना, लगे ना ऐसे 30 सेकंड ऐसे कि अरे क्या हो गया ये, हाँ ऐसा अटका हुआ मैं ना। बिल्कुल। हाँ यस पहला प्लीज। सवाल, वन आर्ट फॉर्म यू एंजॉय वॉचिंग लाइव अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप। यार मैंने कथक जो है मैंने मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और मैं क्योंकि सितार बजाता था तो मैंने बहुत 5-6 साल मैंने बहुत गुणीजन लोगों के साथ, इस साल डॉक्टर कुरु दधीच साहब उनको पद्मश्री भी मिला है, तो मेरे ख्याल में मुझे कथक देखना बहुत पसंद है। अच्छा कथक देखे बम्बई में, मैं अगर कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर देखने जाऊंगा। आपके हिसाब से कॉमेडियंस में सबसे पहले 10 मिलियन आपको क्या लगता है किसके होंगे? मेरे ख्याल से तन्मय भट्ट इज द गाय। उनका मगर आपको मैं विजनरी लगता हूँ तो फिर तन्मय भट्ट तो भगवान है प्रॉपरली, ठीक है ना। वो अश्वत्थामा है। इंटरनेट क्या होता है, कैसे चलाना और उसका क्या गेम होता है, वो इवॉल्व री इवॉल्व करने का उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत अलग होता तरह का उनका वो है। है तो मेरे ख्याल से वो जैसा वो कर रहे हैं और जैसा उनका चल रहा है, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले होंगे मेरे ख्याल से जिनका जिनको जिन जो डबल डिजिट मिलियंस में करेंगे, सब्सक्राइबर्स में जाएंगे। और मेरे ख्याल से वी ऑल आर लाइक वी विल ऑल बी प्राउड ऑफ इट। प्राउड एंड तो हैप्पी। हमारे कॉमेडियंस में ना लोगों को पता नहीं है, हम लोग बहुत आपस में बहुत मस्त बनती है। मतलब कि जो जो दो कॉमेडियंस तुम आपस में भिड़ा रहे हो ना मैम, वो शायद इस टाइम साथ बैठ के एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। हाँ, और मतलब वो भले ही हम पब्लिकली एक्नोलेज करें ना करें, मतलब अरे हम बहुत भाई एनी वन थिंग यू कुड कंट्रोल जी इन योर लाइफ? जावेद साहब के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वंस यू रिलीज चैप्टर नंबर 17 इन योर लाइफ, है ना, चैप्टर नंबर 54 व्हिच इज द हाई पॉइंट ऑफ योर लाइफ विल आल्सो गेट डिलीटेड। ओ तो जब आप इधर से कुछ निकालते हो तो उधर से कुछ घटता है। इसमें मैं अब यहाँ पे साहिल उद्यानवी साहब को का एक गीत कोट करना चाहूंगा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाए, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। जो हाथ आया अंडू अंडू क्या ही करें, इसी के साथ जी लेते हैं। अपना भाई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? यार मेरे को ना ये पहाड़ नदी तेल तालाब समझ नहीं आता, मेरे को चाहिए लोग। बिल्कुल भाई इस बात पे तो एक फिस्ट बम्प। बिल्कुल। मैं शो करने गया गोवा, पहली 4 बार में गोवा जब शो करने गया मैं बीच ही नहीं गया। मैं कहा फर्क ही नहीं पड़ता, समंदर देख लिया, मैं कहा भाई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो यार तुम सोएंगे घर जाके। दिल्ली, दिल्ली पता भाई मेरा, दिल्ली शहर का मैं बताऊं, मुझे पता कैसा लगता है, मैं दिल्ली शहर को ना टीचर में गिनता हूं अपने, के वो शहर ने बहुत सिखाया है। अगर मैं अपने ये पूरी जिंदगी की सीखी हुई चीजों को ऐसे नापू ना, यहां से लेके इस हाथ से लेके इस हाथ तक, तो दिल्ली का उसमें ये इतना हिस्सा तो है। तो मैं इसमें इसमें थोड़ा सा मैं आध्यात्म की तरफ जाऊंगा, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का रेफरेंस में इस्तेमाल करूँ जी जी भाई। कि भगवान श्री कृष्ण की माँ थी देवकी, है ना, हाँ भाई और लेकिन उनको पाला यशोदा ने। हाँ भाई हाँ तो मुझे ना दिल्ली इंदौर मेरी देवकी है कि उसने मुझे पैदा किया, लेकिन क्या हाँ भाई मुझे पाल को उसकी बड़ा ना मुझे दिल्ली नहीं, क्योंकि आया उसकी सारी नाराजगी उसके साथ अटके ली, उसी का मक्खन चुराया है, उसी ने डांट लगाई है, सब उसके साथ हुआ। रोहित पारिक ने लिखा, जाकिर भाई आई फील यू आर बेटर इन पोएट्री देन एनीबडी एल्स, मैं शून्य पे सवार हूँ इज माय फेवरेट पोएट्री, बिग फैन सिंस योर राइटिंग डेज, हैशटैग इंस्पिरेशनल। भाई मतलब ये मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहूंगा, पर ये तो मेरा भी बहुत सुनने का मन कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो रात से था डर गया, वो शाम को नहीं ढल गया, मैं जुगनू हो गया, मैं शून्य। है।
कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म हैं, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेचांद स्याह रात हूं, मैं काली का शुंगार हूं, सुन के हूं राम का सा तेज, मैं लंकापति सा ज्ञान हूं, किसकी करूं आराधना सबसे जो मैं महान हूं, ब्रह्मांड का मैं साथ हूं, जल प्रवाह शून्य पर सवार। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा, आई होप आपको अच्छी लगी, पर जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ऐसी लगी। और अब मुझे पता है आप वेट कर रहे होंगे कि भाई वो सरप्राइज वाली जो बात आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में वो क्या थी, मैं बता देता हूँ जी, सरप्राइज है दैट आई एम गिविंग अवे एन iPhone 11 Pro Max। जी हाँ, सील्ड ब्रांड न्यू पैक्ड 512 GB वाला iPhone 11 Pro Max आई एम गिविंग अवे। अब आप सोच रहे हो कि इस गिवे में हिस्सा कैसे लें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये iPhone 11 Pro Max आपका कैसे हो सकता है। ऑल द बेस्ट।